हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पालक पनीर की इजी एंड सिंपल रेसिपी। तो आइए देखते हैं इसको मैंने कैसे बनाया। सबसे पहले मैं गर्म पानी करके उसमें जो मैंने पालक लिया था, पालक को मैंने थोड़ा उबल हुआ पानी में 2 मिनट के लिए पकाएंगे और उसको निकाल के मैंने आइस वाला पानी में रख देंगे। 1 मिनट 2 मिनट के लिए रख देंगे और उसके साथ मैंने जो पालक रख दिया उसमें पनीर भी काट के तैयार करेंगे। पनीर मैंने ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे और थोड़ा बड़ा साइज में क्यूब काटेंगे क्यूब में। और पनीर भी काट के रेडी हो गया, देखो साइज मेरा थोड़ा बड़ा है। और एक कढ़ाई ले लिया मैंने, कढ़ाई में थोड़ा सा मैंने घी डाल दिया। पनीर को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, फ्राई करने से मतलब अच्छा लगता है खाने में, इसलिए मैंने थोड़े फ्राई करेंगे। नमक नहीं डाला, सिर्फ हल्दी थोड़ा सा मैंने डाल दिया और फ्राई भी हो गया। उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी डाला और जीरा, एक मीडियम साइज़ का प्याज, थोड़ा सा फ्राई करेंगे। प्याज और मतलब जो जीरा डाला था थोड़े टाइम के लिए मैंने फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। और इधर मैंने ले लिया पालक जो मैं पानी में डुबा हुआ रखा था, डुबा के उसी पालक में मैंने डाला धनिया और एक मीडियम साइज़ का मतलब प्याज जो लिया था उसी तरह मैंने प्याज भी एक ले लिया। और मिर्ची, लहसुन, अदरक, साथ में थोड़ा सा मैंने साबुत जीरा लिया था और साबुत जीरा लेने से खुशबू ज़्यादा अच्छा लगता है। और जितना मैंने पेस्ट बनाया सबको मिला के पेस्ट को मैंने मतलब जीरा और प्याज को प्याज के साथ फ्राई करने के लिए भुनेंगे थोड़ी टाइम, अच्छी तरह भुनेंगे। और देखो कलर भी अच्छा कलर आ रहा है। और 1-2 मिनट ऐसे पकाएंगे, साथ में मैंने डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और कसूरी मेथी डाल दिया। कसूरी मेथी देने से मतलब स्वाद अच्छा लगता है ज़्यादा और खुशबू आ जाता है कसूरी मेथी थोड़ा, इसलिए मैंने डाल दिया। और अभी हो गया मेरा फ्राई। इसी टाइम में मैंने दे लेंगे जो मैंने फ्राई करके रखा था मतलब पनीर, उसको डालेंगे। ज़्यादा मतलब ग्रेवी नहीं बनाएंगे, मतलब ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। और ऐसे करके थोड़ा सा मैंने जितना मतलब पनीर तो मसाला जाने के लिए ढक्कन लगा देंगे 1 मिनट के लिए। हम लोग ऐसे भी ज़्यादा मसाला नहीं खा पाते हैं, मतलब जो लाल मिर्ची पाउडर और जो मतलब मसाला होता है उस सब हम लोग इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, नहीं खा पाते हैं। और बेसिकली हम लोग आसाम का है इसलिए हम लोग का मसाला यूज़ ज़्यादा इतना ज़्यादा नहीं होता है, इसे हम लोग सिंपल तरीके से खाते हैं। और अब अभी थोड़ा सा डाल दिया मैंने मतलब किचन किंग मसाला, उसमें थोड़ा खुशबू भी आएगा। और ये लगभग मेरा हो गया पनीर सब्जी, पालक पनीर सब्जी। साथ में डालेंगे धनिया पत्ता और धनिया पत्ता डालने के बाद थोड़ा सा ऐसे मतलब मिक्स करेंगे क्योंकि मतलब पनीर तो खुशबू जाने के लिए धनिया का। लगभग मेरा मतलब पनीर बन के रेडी हो गया। तो आइए सर्व करते हैं। देखो देखने में कितना सुंदर हो गया और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और आप लोग एक बार प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए ऐसे बना के। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय एंड टेक केयर।